दोस्तों, गलती करना सही है, लेकिन गलती करते रहना गलत है। दोस्तों, जब आप किसी गलती को बार बार रिपीट करते हैं, मतलब रोज रोज वही गलती करते हैं, तो धीरे धीरे यही गलतियां बहुत बड़ी परेशानियां खड़ी कर देती हैं। दोस्तों, अगर आपकी लंबाई नहीं बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि या तो आप कोई गलती कर रहे हैं या फिर कोई गलती कर चुके हैं जिसकी वजह से आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है तो यह 5 गलतियों में से कोई ना कोई गलती या तो आप कर रहे हैं या फिर आप कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप इन 5 गलतियों में से कोई भी गलती कर चुके हैं या कर रहे हैं तो इसे ठीक कैसे करना है उसके बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। और दोस्तों, अगर आपने इन 5 गलतियों में सुधार कर लिया तो आपकी लंबाई बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। दोस्तों, बस आपको करना यह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने पहली गलती पर। मिस्टेक नंबर 1। दोस्तों, कुछ लोगों ने हम सभी युवाओं के अंदर निगेटिव थिंकिंग डाल दी है कि मास्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन करने से लंबाई बढ़ती है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। हस्तमैथुन करने से लंबाई बढ़ने के बजाय रुक जाती है। दोस्तों, इसके अलावा आप बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, ऐसी हजारों प्रॉब्लम आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में हम सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कई सालों से हस्तमैथुन मतलब मास्टरबेशन करते चले आ रहे हैं, आपकी लंबाई भी बढ़ना रुक गई है, आपका कोई भी काम में मन नहीं लगता है, ऐसी हजारों दिक्कतें आपके सामने हैं, इसके अलावा आप हस्तमैथुन की लत को छोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको आज एक मेडिसिन बताने वाला हूँ। अगर आपने इसको मेरे बताए अनुसार ले लिया तो आपकी लंबाई तो बढ़ने ही लगेगी, साथ ही आपके शरीर में कोई भी दिक्कत होगी वह ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। दोस्तों, मेडिसिन का नाम बताने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है इरोडिकन कैप्सूल, जैसा कि आप सभी लोगों को वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोस्तों, इस कैप्सूल को आपको लेना है। दोस्तों, सबसे जरूरी चीज इसे कब, कैसे और कितना लेना है। दोस्तों, यह बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कैप्सूल में आपको मिल जाता है शिलाजीत, जो कि बहुत पुराने समय से ताकत बढ़ाने के लिए शिलाजीत का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको मिल जाता है अश्वगंधा, जो कि आप सभी लोगों को पता है अश्वगंधा हाइट बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस कैप्सूल में ऐसी कई सारी औषधियां मिलाई गई हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, आप कुछ लोग पूछेंगे इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, मैं आपको बता दूं, वैसे तो अभी तक इसके कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। बाकी अगर आपको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस कैप्सूल को लें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसे कब, कैसे, कितने लेने हैं। दोस्तों, इस कैप्सूल को सुबह खाना खाने के बाद एक कैप्सूल लेना है और शाम को खाना खाने के बाद एक कैप्सूल लेना है। आपको इस कैप्सूल को 3 से 6 महीने तक इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके प्राइस की तो 60 कैप्सूल आपको 999 रुपए में मिल जाते हैं और इसके अलावा छोटा पैक जिसमें कि 10 कैप्सूल आपको 225 में मिल जाते हैं। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है और कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है, वहां से जाकर आप इसका प्राइस देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2। दोस्तों, अगर आपको लंबाई बढ़ानी है तो पानी कम पीने की गलती नहीं करनी चाहिए। आपको बॉडी कैपेसिटी के अनुसार दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए,
लेकिन मुझे पता है कुछ लोगों को आज तक पता ही नहीं है कि वह कितना पानी पीते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पानी कम पीने की गलती नहीं करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, दोस्तों अगर आपकी लंबाई नहीं बढ़ती है तो उसका कारण समय पर खाना ना खाना भी हो सकता है। हम में से कई सारे लोग कभी भी कितना भी खाना खा लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको समय पर खाना जरूर खाना चाहिए। आपको याद रखना है कि दिन भर में 3 बार खाना जरूर खाना है। अगर आपको भूख नहीं है तो आप थोड़ा सा भोजन कर सकते हैं, लेकिन आपको दिन भर में 3 बार खाना जरूर खाना है। और याद रखना है कि शाम को हल्का भोजन ही करना है। मिस्टेक नंबर 4, दोस्तों हम में से कई सारे लोग रात के समय फ़ोन पर लगे रहते हैं और लेट में सोते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप शाम को लेट में सोएंगे तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए। आपको शाम को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके अलावा 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कि सोते समय ही आपकी लंबाई बढ़ती है। मिस्टेक नंबर 5, दोस्तों हमें से कई सारे लोग कई तरह के नशे करते हैं, जैसे गुटखा, धूम्रपान, शराब इत्यादि। दोस्तों अगर आप नशे करेंगे तो आपकी लंबाई बढ़ना रुक जाएगी। इसके अलावा आपको लंबाई बढ़ाने के लिए माइंड में टेंशन नहीं रखनी चाहिए। हमें से कई सारे लोग छोटी उम्र में ही कई तरह की टेंशन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों इनके अलावा और भी कई गलतियां हैं जिन्हें मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है। अगर आप हमें कमेंट करके बोलेंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी गलतियों को डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में।